बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रफ़ी साहब का जो अंदाज़ है गाने का, सोनू के गाने में वो झलक नज़र आती। सोनू में वही रेंज है, वही आवाज़ की गुलाई है, खूबसूरत है। तो रफ़ी साहब का रंग तो सोनू में आना ही था, क्योंकि शुरू से ही वो रफ़ी साहब के गाने बहुत गाता रहा है। तो कुछ गुनगुनाएंगे रफ़ी साहब? उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। शुक्रिया। जवां दिलों की धड़कन सोनू निगम, आज 50वां बर्थडे है, लेकिन अभी भी 25 के लग रहे हो। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत प्यार। गॉड ब्लेस। बोलना क्या? सोनू जी को 50 साल हो गए, तो उनका कुछ फेवरेट गाना जो आपको किसका है? ये क्या क्या बोलते हैं उसको? फेवरेट सॉन्ग। ये दिल दीवाना दीवाने ने कर डाला। हैप्पी बर्थडे टू यू सोनू। सोनू जी का नाम लेते हैं, सोनू निगम का नाम जब आता है तो रफ़ी साहब का नाम याद होता है। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी और सोनू सर का जी। जैसे सोनू जी ने रफ़ी साहब को फॉलो किया, उनको गुरु मानते हैं, हम सभी रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं और उनको फॉलो करके उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन अब अपना खुद का एक स्टाइल बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और रफ़ी साहब के बारे में हम क्या कहें, सबके सात सुरों के मालिक हैं। ये भी कहा जाता है अगर भगवान की आवाज़ होती तो रफ़ी साहब जैसी होती। और रफ़ी साहब भले आज जिस्मानी तौर पे हमारे साथ ना हो, लेकिन आने वाले कई सालों तक वो नई पीढ़ी को इंस्पायर करते रहेंगे अच्छा गाना गाने के लिए। एक गाना चुनना बहुत मुश्किल है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सोनू, लव यू। अरे ये सचिन है लवकर ये तुझा फोटो घेणार ते नाही मेरा हो गया इधर आ गया। ध्यान रहे, जवान अच्छा नहीं दिखना चाहिए, हाथ भारी करना, भेटवा ना। अरे अरे छान काम करते मी झिरो आहे, तुमचा आशीर्वाद घेण्यासाठी सांगतो। इन दोनों से बेटर दिखना मांगता है। अभी मैं भाषण दूं? यस सर। अभी क्या सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। अभी देखो, सच्ची बात तो ये है कि जितने गाने वाले हैं, अच्छा गाने वाले, उनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक़ है और ऊपर वाले ने मुझे कूट कूट के बेसुरा बनाया। तो जब मैं सुनता हूँ उनको तो लगता है भगवान ने मुझे थोड़ी सी आवाज़ क्यों नहीं दी है, कि नहीं? हाथ आंग लगा तो अरे मी आला ऐकलंय, इज अ गुड सिंगर। पहले तो मैं बता दूं कि मुझे जब सोनू का फ़ोन आया कि उसका जन्मदिन है आ जाओ, मैंने आते हैं, बोला मेरा 50वां बर्थडे है। अरे मैंने कहा तू तो अभी भी बच्चा लगता है, बच्चा लगता है ना, वो लगता नहीं कि 50 साल का हो गया। तो मेरे को तो एक इस बात की खुशी है कि एक 50 साल का बच्चा, एक दूसरा बच्चा ये भी है। ये मेरी कई फिल्मों में मेरा बचपना किया इसने। चलो एनीवे ज़्यादा बोलना अगर अरे इसके तो हम दीवाने हैं, सोनू के दीवाने हैं। बहुत अच्छा सिंगर है, मालिक उसको बरकत दे, उन्नति दे, सेहत दे और ऐसे ही गाता रहे, है कि नहीं? बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रफ़ी साहब के 19-20 भी आता है तो वो सोनू है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। और जितना नेक इंसान रफ़ी साहब थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता था। बहुत ही नेक, बहुत ही इतने सज्जन इंसान मैंने देखे नहीं। और वही स्ट्रेट में वही मतलब वो जो फितरत है वो मैं सोनू में देखता हूँ। ओके चलो चलो आओ। मुझे ये बताओ इयरिंग कहाँ से बना है? मैं भी बनाने वाला हूँ। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सोनू का 50वां बर्थडे आज मनाया जा रहा है। मेरी उससे सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी जब वो 15 साल का था। आज उस चीज़ को 35 साल हो गए हैं। ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली का मेंबर है, तो उसको मैं तहे दिल से, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक आशीर्वाद ही देता रहूँ। इन 35 इयर्स में काफी सारे नंबर्स के गाने आए, काफी एल्बम्स आए। आपका कोई ऐसा फेवरेट? मेरा फेवरेट सोनू निगम है। सॉन्ग मेरा फेवरेट सोनू निगम है, इसलिए वो जो कुछ भी गाएगा वो मुझे अच्छा ही लगेगा। मैम आप अगर कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए द सोनू निगम सोनू भैया है। एंड ऑफ कोर्स हमारी जनरेशन के लिए नो मैटर व्हाट वो आइकॉनिक है। आज भी अगर कोई गाना हम गुनगुनाते हैं सो इनवेरिएबली आई थिंक सोनू निगम का ही होता है। सो आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ही रियली इज माय फेवरेट। सर एक सवाल था मेरा, शी इज डूइंग सो वेल इन हर करियर ओटीटी वाइज, शी इज गेटिंग सो मच ऑफ लव एंड इन इंटरव्यूज आल्सो जब वो सवाल जवाब देते इतने मैच्योरिटी लेवल्स, एज अ फादर कितना प्राउड मोमेंट होता है सर आपके लिए? भाई आप ये जो बोल रहे हैं वो एक-एक सेकंड मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और आप सब ने उसको आशीर्वाद दिया है और उसने अपनी मेहनत को बरकरार रखा है। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आज छोड़ा भी उनका बर्थडे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं एक ही चीज़ मैंने हमेशा महसूस की है, सोनू ने कभी ये ना सोनू ने मेरे हिसाब से सोनू कभी रफ़ी साहब से मिला नहीं है। बावजूद इसके जब भी सोनू ने अपनी आवाज़ माइक पे पेश की है किसी भी उम्र में, हर बार मैंने महसूस किया है कि रफ़ी साहब का आशीर्वाद उसके साथ। एक विजुअल साहब दोनों का यहाँ पे कर लेते, थोड़ा इससे पीछे आ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट बर्थडे है ये 50वां। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 100 साला बर्थडे पे भी हम लोग इस तरह आएँ और उसको विश करें, आशीर्वाद दें। एक बहुत ही नायाब कोहिनूर हीरा है सोनू हमारी इंडस्ट्री के लिए। और मैं भगवान से यही चाहता हूं कि वो हमेशा हंसता खेलता और स्वस्थ रहे और खूब काम करे और अच्छे अच्छे गाने हम सबको दें। मेरा सोनू जी से बहुत बहुत सालों का वास्ता है। सारेगामा की शुरुआत उनके साथ हुई थी एंड आई फील ऑनर्ड कि आज मैं हाल ही में उनका एक्चुअली परफॉर्मेंस देखा है, कल ही उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस देखा एंड देयर इज़ नो वर्ड टू डिस्क्राइब सोनू जी। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑन हिज 50th बर्थडे। अच्छा, एक सोनू जी का फेवरेट सॉन्ग जो आपको काफ़ी पसंद आया हो? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ये हमारा फेवरेट गाना है उनका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोनू जी का बर्थडे आज। हाँ हाँ, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, हाफ सेंचुरी हो चुकी है। कहना चाहूँगा, मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो सब कैसे 50 साल, कैसे 50 साल के, मुझे लगता है 25-30 साल के ही है शायद, 50 के कभी हो गए, समझ में नहीं आ रहा है। उनकी शक्ल से तो और उनके स्टाइल से तो लगता नहीं कि वो 50 हो गए। पर मेरी दुआएं हैं और मेरी हमारे भाई हैं वो, और इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड सिंगर हैं, तो बस हम क्या कह सकते हैं। मैं तो बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं उसका दोस्त हूँ और हमने बहुत सारा काम किया और बहुत सारा काम करना है। इतना स्पेशल ओकेजन है, इतना स्पेशल ओकेजन है। और सोनू का मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। किधर देखूं मैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि 50 का हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सोनू 50, मैं जब देखा मतलब 50 का कैसे हो गया इतनी जल्दी? अभी तो बहुत यंग है, बट एनीवे आई बहुत बहुत मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। सोनू का मेरा रिश्ता बहुत ख़ास है और बहुत ही खूबसूरत इंसान है, सिंगर तो है ही बहुत बड़ा। मैं बस दिल से दुआएं देता हूं और मौला उसे और भी खुशियां, ढेर सारी खुशियां और तरक्की दे। थैंक यू, थैंक यू। पूरी गोल्डन बन के आई हूं ताकि तो गोल्डन बर्थडे है, तो लॉट्स ऑफ मोर गोल्डन ईयर्स वो जिए हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। बहुत सारे गाने हैं, उसके लिए हमको अलग एक एपिसोड ही चाहिए। फिर वो बर्थडे एपिसोड नहीं बनेगा, ट्रिब्यूट टू सोनू निगम बनेगा। हिज जस्ट नो कंपैरिजन टू हिज बॉडी ऑफ वर्क एंड हिज रेपर्टोर ऑफ म्यूजिक एंड हिज रेंज, सो वेरी हार्ड टू से। इट वाज ना बहुत ट्रिमेंडस रिएक्शन मिल रहा है, बिकॉज एक पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। एंड बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज, बहुत लोगों के लिए सरप्राइज था, बहुत क्यूट मोमेंट था, सो दैट वाज नाइस। हैप्पी एंड वियर्ड आल्सो कि 50 हो गया, मुझे पता ही नहीं लग रहा था। ही डजंट लुक 50 राइट एंड ही डजंट एक्ट 50, सो या आई मीन I hope he has 50 more such years with so much music and fun, and he's a dear friend, so obviously we all had to be here. Very very happy, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ आके, and it's our blessing and love that we are here for him. क्या गाएं लेकिन? अच्छा, उसी से बांधे, चलो तो सोनू जी को मोह के धागे से बांध देता हूँ। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। बहुत सारा प्यार एंड भगवान उनको आशीर्वाद दे, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी आगे जो है वो हो, और हम एक साथ काफ़ी काम करें, टाइम बिताए, दोस्ती निभाए। थैंक यू सो मच। बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो सताए ख्यालों उसे जिंदगी का मोहब्बत में जो हो किसी का दुनिया में उसे भी समाना उसी का मोहब्बत में जो हो किसी का मोहब्बत में जो चलो carry on. Thank you. जब मेरा मंत्र मामू से Thank you so much, guys. I think he deserves the biggest round of applause for the guy, guys. 3 cheers, hip hip, hip hip, hip hip. वैसे थोड़ा dance का मूड है आप लोग का रहेगा. I think celebration तो बनता है यार. अगर celebration है और music है और dance ना हो तो incomplete रहेगा. So let's. आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा. आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा बल्ला बल्ला इनकार तेरा एवरीबॉडी आजा 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 अगर इंडिया में कोई सुरीला सिंगर है, सबसे बड़ा सिंगर है, सबसे ग्रेट सिंगर है, एक इंसान बहुत अच्छा गा सकता है लेकिन हैंडसम नहीं हो सकता, और एक इंसान हैंडसम हो सकता है लेकिन परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरे भाई जो 16 कला संपूर्ण सोनू जी के लिए जोरदार तालियां। कीप वॉकिंग लाइक दैट। भगवान आपको लव यू और दे और यूज। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस मेरे भाई। हमने तो प्यार ऐसा काम करना प्यार की राह में हमने तो प्यार ऐसा काम करना प्यार की राह में और कल तेरे जान देते हर बात सबको मालूम है और सबको खबर हो अच्छा, इसके पहले कि अनूप जी का बर्थडे खत्म हो जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनूप जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनूप जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Alright, so guys, ladies and gentlemen, it is time for Sonu Bhaiya to cut the cake, and in just a few seconds from now, this man who has turned into a legend. Was turned into a legend at this small age, this tender age I must say, is turning 50. We all love him. बहुत वर्षों में ऐसे लोग पैदा होते हैं. Ladies and gentlemen, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday! We all love you. God bless you. May you keep smiling the way you are. Baar baar duniya aaye, baar baar duniya aaye, baar baar duniya aaye, baar baar duniya aaye. Tum bhi ho hazaron saal, hai meri hai. Happy birthday.